21 मार्च यानी दिन सोमवार को राजधानी नई दिल्ली में मौजूद राष्ट्रपति भवन में देश की 128 हस्तियों को अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर नजमा अख्तर समेत कई बड़े नाम शामिल है। ये नाम किसी भी मामले में बड़े हो लेकिन उम्र और तजुर्बे के मामले में स्वामी शिवानंद से कमी है। स्वामी शिवानंद को इसी सभा में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वामी शिवानंद को योग के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वामी शिवानंद की उम्र 125 बरस है। उनका जन्म साल अगस्त 1896 में हुआ था। इनको लेकर कहा जाता है कि वे बिल्कुल स्वस्थ है। एक खबर के मुताबिक स्वामी शिवानंद हर रोज सुबह 3 बजे उठते हैं, योग करते हैं, साथ ही भगवद गीता और माँ चंडी के श्लोकों का पाठ करते हैं। स्वामी शिवानंद को लेकर कहा जाता है कि वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। स्वामी शिवानंद को जब पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए बुलाया गया तो वहां मौजूद हर्षक तालियां बजाने लगा। साथ ही स्वामी जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हो गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी खड़े हुए स्वामी जी के आगे झुक गए। यह नजारा देख वहां मौजूद हर शख्स खड़ा हुआ और जोर जोर से तालियां बजाने लगा। इसके अलावा स्वामी जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगे भी नतमस्तक हुए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।